शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से मम्मी, श्रद्धा तुम्हें तुम्हारी जीत मुबारक और तुम्हारी बहन की जिंदगी से हार मुबारक। माता रानी, मेरी बहन की जिंदगी आपके हाथ में, उसे बचा लीजिए माता रानी। जय माता दी। भगवान के आगे अपनी श्रद्धा घोर तपस्या से ही साबित की जा सकती है। मैं अपनी बहन की जिंदगी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे जिंदगी भर भी तपस्या क्यों ना करनी पड़े। अंकल, बबलू की हालत खराब हो रही है, आप आंटी को लेकर बबलू को लेकर घर चले जाइए। कुछ भी होता तो मैं आपको बता दूंगी। यशवी जी, डॉक्टर ने भी आपको बोला है आराम करने के लिए और सेहत भी जरूरी है। एक बार कीर्ति से मिलने दीजिए मुझे। आंटी, अपने लिए ना सही पर वरुण के लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा। देखिए, कीर्ति के इंतजार में उसकी क्या हालत हो गई है। भाई साहब, आप ऐसा ही कह रहे हैं, आप लोग घर जाइए, कुछ होगा हम फोन कर देंगे। पापा, आप भी जाइए, जैसे कीर्ति को होश आता मैं आपको फोन कर दूंगी। नहीं नहीं, हम वरुण को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। वरुण अकेला नहीं है नैना जी, अब है साथ में, और वैसे भी हॉस्पिटल में भीड़ करना अच्छी बात नहीं है। हम यहाँ बच्चों के साथ रुक जाते हैं। अनुज, तुम इन सबको घर ले जाओ। ठीक है, चल। श्रद्धा कहाँ रह गई? कीर्ति की इस हालत के जिम्मेदार पता है कौन? तुम श्रद्धा, तुम। कब से निकली है, अभी तक वापस लौटी नहीं। देखता हूँ। लशौन का स्ट्रोक थोड़ा और बढ़ाओ ना, दुल्हन है ये, कोई नॉर्मल फंक्शन में नहीं जा रही। तुम ग्लैमरस कर दो हमारी दीदू को। ही वरुण जी, कि हम माँ बनने वाले और आप पापा। माता रानी, मैं ये तपस्या अपनी बहन की जिंदगी, उसके आने वाले बच्चे, उसकी खुशियों के लिए कर रही हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी यह तपस्या सफल हो माता रानी। तुम कब से फोन मिला रहे हो तुम्हें? अभय बेटा, श्रद्धा नहीं, हम ऋतु बुआ बोल रहे हैं। हम ऊपर गए थे और श्रद्धा का फोन हमें मिल गया। फोन उसका घर पर ही छूट गया है। पता नहीं
कौन से बाबा ने उसे कठोर तप करने के लिए कहा है, कीर्ति और उसके बच्चे के लिए, जिसके लिए वो मंदिर गई है अभी। क्या कहा गई है बुआ जी? अभय, जो वो कठोर तप करने गई है वो खतरे से खाली नहीं है। श्रद्धा को अपने घुटनों के बल उस मंदिर की ऊंची सीढ़ियां चढ़नी होगी। जोत जलानी है और ये सब उसे सूरज डूबने से पहले करना होगा। क्या उसका दिमाग खराब हो गया? क्या क्या जरूरत है ये सब चीजें करने की? बुआ जी, मैं अभी जाके उसे रोकता हूँ। अबे बेटा, क्या वो श्रद्धा को कुछ पता चला? जी ताऊ जी, बस उसी के पास जा रहा हूँ। आप प्लीज तब तक भाई को देख लेंगे? ठीक है, लेकिन तुम संभल के जाना। जी श्रद्धा, मैं तुम्हें ऐसे खुद को चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। मैं अभी आके तुम्हें रोकूंगा। कुछ भी करोगी तुम, और तुम्हें लगता मैं करने दूंगा तुम्हें, हर वक्त तुम्हारा यही रहता है। मैं रोकूंगा तुम्हें, इस बार नहीं खुद को चोट पहुंचाने दूंगा तुम्हें। मैं हमने आज तक कीर्ति को बहुत रोका टोका, लेकिन हम नहीं करेंगे ऐसा। हम उनके सारे सपने पूरे करेंगे, उनकी उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे, लेकिन बस बस हमारी बहू को होश आ जाए। भाभी, अब हम उसे ताने मारने वाली किताब रखने का मौका ही नहीं देंगे। हम उसे कभी नहीं चिढ़ाएंगे, कभी परेशान नहीं करेंगे, उसकी अच्छी सहेली बनकर रहेंगे। बस उसे ठीक कर दीजिए, ठीक कर दीजिए कीर्ति को। संभालिए खुद को। कैसे संभाले हम अपने आप को? कहीं ना कहीं कीर्ति की हालत के लिए जिम्मेदार हम ही हैं। भाभी, क्यों ये बोले जा रही हैं? हमें तो लगता है कि कहीं हमारी नजर न लग गई हो कीर्ति को। अरे, हम तो चाहते थे कि हमारी बहू का परिवार बसे, लेकिन जब कीर्ति पहले माँ बन गई तो शायद हम उसे जलने लगे। अरे, हम बहुत ही बुरे हैं तू। नहीं भाभी, नहीं, क्या बोल रही है आप? भला अपनों की नजर लगती है क्या? नहीं, वो भी आपकी। बस बस, अब रोना बंद कीजिए। आप देखिएगा, श्रद्धा के साफ दिन के आके ना माता रानी कीर्ति को कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होगा उससे। आप रोना बंद कीजिए, आप नहीं रोएंगे, संभालिए खुद को। बहुत ही कठिन तपस्या है बेटी, हर किसी के बस की बात नहीं है। जय माता दी।
गिरने लगे तो खुद संभल, दर्द को पी जा और आगे बढ़, क्योंकि समय तेरे लिए नहीं रोकेगा। डॉक्टर जी बोलिए। डॉक्टर देखिए, Kirti की उंगलियां हिल रही, शायद उसे होश आ रहा है, प्लीज चेक कीजिए। ठीक है मैं देखती हूँ। कुछ बोल क्यों नहीं रही? बेटा सब रखो, मेरे ख्याल से चेक कर रहे सब। नहीं, अरे Kirti, डॉक्टर ये सब क्या हो रहा है? आप कुछ करिए ना प्लीज। इन्हें बाहर ले जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। प्लीज डॉक्टर, मुझे बाहर जाने के लिए मत कहिए। बच्चे और मेरी बीवी की जान बचा ली थी डॉक्टर, मैं उनके बिना जिंदा नहीं रह सकता। मैं आपके पांव पड़ता हूँ डॉक्टर, प्लीज कुछ तो करिए। मिस्टर त्रिपाठी आप प्लीज पहले उठिए प्लीज। देखिए हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं बचाने के लिए, लेकिन हर बार आप अंदर आ जाते हैं इलाज के वक्त दखल देने, और हम समझ सकते हैं कि आपको इनकी बहुत चिंता है और ऐसे में इनकी जान खतरे में आ सकती है, तो आपको बाहर जाना ही होगा। आप प्लीज इन्हें ले जाइए बाहर। वरुण बेटा, डॉक्टर साहब ठीक कह रही हैं, इन्हें इनका काम करने दो, हम बाहर से देखते हैं ना। आओ अब मेरे साथ चलो। जल्दी देख लो, इनकी हालत खराब होती जा रही है। अगर तुम ये सब कर सकती हो तो मैं भी तुम्हारा साथ दे सकता हूं ना। तुम्हारी हिम्मत ना मुझे ताकत देती है श्रद्धा। आज नहीं रोकूंगा तुम्हें मैं। तुम्हारी जो भी वक्त के खिलाफ लड़ाई है ना, उसमें मैं तुम्हारे साथ हूं। सूर्य अस्त से पहले तुम्हें अखंड जोत जलानी है। चलो श्रद्धा चलो।
मैं क्या करूं पापा, मैं क्या करूं, कैसे अपने परिवार को बचाऊं? मैं कीर्ति के बिना मर जाऊंगा। नहीं बेटा, कीर्ति को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। Excuse me. इस इंजेक्शन का इंतजाम कीजिए, 15 मिनट के अंदर चाहिए होगा। हाँ थोड़ी महंगी जरूर है, पर इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। डॉक्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं फौरन ये इंजेक्शन लेके आता। बच्चे की जान खतरे में है, पर हम जरूर कोशिश करेंगे कि दोनों की जान बच जाए। हमारे पास वक्त बहुत कम है, सूरज ढलने वाला है, जल्दी से हमें अखंड जोत चलानी होगी। चलिए मातारण, हमारे घर के चिराग को बुझने मत देना। हमारे बहू की रक्षा करना माता रानी। हे माता रानी, मेरी कीर्ति की जिंदगी बचा लो, उसे अब और कोई तकलीफ ना हो। जल्दी से जल्दी उसे होश आ जाए माता रानी। मेरी बच्ची के लिए यही प्रार्थना है, जल्दी ठीक हो जाए कीर्ति, जल्दी ठीक हो जाए। डॉक्टर ये लीजिए। हाँ नर्स प्लीज इसे जल्दी से तैयार कीजिए, इंजेक्शन है। डॉक्टर इसको क्या हो रहा है? ये डॉक्टर मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, वापस आ जाओ कीर्ति, अपने वरुण के पास वापस आ जाओ।
तुम मुझे ऐसा छोड़ के नहीं जा सकती कीर्ति, उठो उठो कीर्ति, वापस आ जाओ कीर्ति। कीर्ति बेटा, ये हमने आपकी पसंद का जूस बनाया है और आज ना सारा खाना आप ही की पसंद का बनेगा। अरे ये अपनी बहन की ख्वाहिश है, उसे मैं पूरा करूंगी। कीर्ति, कीर्ति कमाल का नजारा नहीं है, मौत के मुंह से तुम लौट कर आई और यहाँ दर्द से उसका ज्यादा नजर आया। किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।